क्या नाम हुआ बच्ची आपका? अजय कुमार। क्या पढ़ती हो इसमें? अभी मेरे यहाँ नवोदय की भी कंटिन्यूएशन चल रही है। मेरी हर टीचर का ये मोटिव है कि मेरा स्कूल का हर बच्चा स्टार बने। रूरल एरिया यह है तो रूरल एरिया में सारे बच्चे अमीर के नहीं होते हैं, बहुत से बच्चे मेरे यहाँ गरीब के होते हैं, और जिसके चलते मेरे विद्यालय में गरीबों के बच्चों की ज़्यादा महत्ता है। मैं अभी 30% बच्चों को बहुत लिफ्ट देकर, बुक गिफ्ट देकर हम पढ़ाते हैं। फ्री बच्चे भी हैं, जैसे जो जिनके गार्जियन अगर वो देट आर नॉट एबल टू द पे द फी ऑफ द स्कूल, उनके बच्चे को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में एडमिशन लिया हूँ। हाल फिलहाल में इस सेशन में भी मैं एडमिशन लिया हूँ फ्री में, और पिछले बार भी लिया था। और यहाँ पे मतलब कि जो भी गार्जियन आते हैं और मुझे लगता है कि ये पे नहीं कर सकते हैं फी, उनको फुल मतलब कि ईयर जो है फ्री करते हैं। साथ में अगर एग्जाम मेरा होता है तो उसमें जो स्कूल टॉप करता है, जैसे इस बार जैनब जो है की है, तो उसको पूरे साल का फी माफ रहता है। नमस्कार, न्याय पब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लौरिया प्रखंड और साठी थाना के अंतर्गत दनियाल परसौना और धोबनी के बीच में एक स्कूल खुला है, जिस स्कूल का नाम है पोल स्टार पब्लिक स्कूल। यह स्कूल अभी फिलहाल में ही खोला हुआ है। अब हम जरा यहाँ के टीचर लोगों से जानकारी लेंगे कि इस स्कूल में व्यवस्था क्या क्या है। आइए थोड़ा सा हम अंदर चल के अंदर का दृश्य आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। और यही बोर्ड है पोल स्टार पब्लिक स्कूल, और यह गेट है। अब गेट के अंदर हम चल रहे हैं और इस गेट के अंदर कुछ टीचरों से हम बातचीत करेंगे कि इस स्कूल में क्या क्या चीज़ का व्यवस्था है। आइए अंदर हम आ चुके हैं और यहीं सर हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? सुनील कुमार जी। यह स्कूल कब इसका उद्घाटन हुआ? 2020 में। अच्छा, अभी स्कूल चलाने का रीजन क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ अभी आप पढ़ाते हैं, थोड़ा सा बताइए। यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एवीएस, उर्दू, संस्कृत, यानी हर सब्जेक्ट की यहाँ पढ़ाई होती है। आइए थोड़ा सा हम अंदर भी चलते हैं। और कुछ यहाँ कितने टीचर सर रखे हैं आप? यहाँ 13 टीचर हैं, क्लास यहाँ पे 9 क्लास है। जी 9 क्लास। जी 9 क्लास है, लेकिन 13 टीचर हैं। जी नर्सरी से लेकर? नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक है, लेकिन फिलहाल मैं अभी 7 तक ही प्रमोट किया हूँ बच्चों को, लेकिन बाद में जो है इसको प्रमोट करके क्लास 8 तक करेंगे। अच्छा। और फ्यूचर में हो सकता है कि 10th क्लास भी कर लें। आइए, यहाँ कुछ टीचर लोग भी हैं जिसमें मैडम लोग भी हैं, अभी 2, 4, 6 मैडम है। अब मैडम लोगों से हम जानकारी लेते हैं कि ये लोग क्या क्या चीज़ पढ़ाते हैं, कौन सब्जेक्ट का टीचर है। क्या नाम हुआ आपका? माय नेम इज अमीसा। अच्छा, क्या पढ़ाती हैं आप? इंग्लिश। इंग्लिश में आपको नर्सरी से लेकर 8 तक है? जी जी। सब बच्चों को आप पढ़ाती हैं? जी जी। आपका नाम? सबुनाज। क्या पढ़ाती हैं? मैथ पढ़ाती हैं। जी। और आपका? माय नेम इज प्रियांश कुमारी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? इंग्लिश। इंग्लिश। और आप? माय नेम इज रहीमा खातून। हिंदी। हिंदी। और आप? माय नेम इज मुस्कान कुमारी। क्या पढ़ाती हैं? हिंदी। अच्छा, हिंदी में। जी। और आपका नाम? माय नेम इज साबरा इरशाद। क्या पढ़ाती हैं? उर्दू। उर्दू। और टीचर लोग भी हैं सर? जी जी। यहाँ आपका नाम सर? विपिन कुमार द्विवेदी। आप क्या पढ़ाते हैं? हिंदी और संस्कृत और हिंदी व्याकरण। जी। और आपका नाम? प्रियांशु कुमार। प्रियांशु कुमार। क्या पढ़ाते हैं आप? मैथ, इंग्लिश एंड साइंस। जी। अब थोड़ा सा सर हमको स्कूल में आप दिखा दीजिए कि कौन कौन सा स्कूल। आप सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फैयाज है। जी। मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ और मैं जो है 3rd क्लास से 7th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। आइए सर, जरा रूम में हम चल रहे हैं, रूम में थोड़ा सा हम बच्चे लोगों से। आपका नर्सरी में पहले ले चले? आइए हम नर्सरी में चलते हैं। कितने बच्चे हैं सर नर्सरी में आपका? न्यू एडमिशन में नियर अबाउट 45 बच चुके हैं। जैसे 20:25, इट मींस सेक्शन वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अ सेक्शन, सेपरेट अ सेक्शन ए एंड बी। 20 स्टूडेंट्स इन दिस। जी, ये हमारे छोटे बच्चे हैं। और ये हमारे जो और जिस इससे ज्यादा होता है तो मैं उसको सेक्शन दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पास टीचर की कमी नहीं है। हाँ। क्या नाम हुआ बच्ची आपका? अजय कुमार। क्या पढ़ती हो इसमें? अच्छा, ये सर थोड़ा सा दूसरे क्लास में हम चलते हैं, चल रहे हैं। फर्स्ट क्लास के टीचर यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। सर, बच्चे को क्या क्या पढ़ाते हैं? मैं बच्चों को वर्णमाला से लेकर
स्वर मात्रा संधि विच्छेद आदि जितने भी लोग की आवश्यकता के अनुकूल है मैं व्याकरण में दे देता हूँ। संस्कृत में भी मैं लोगों को अभी तक रूप तैयार करा रहा हूँ, रूप तैयारी करा रहा हूँ। ग्रामर में संस्कृत को भी इंक्लूड कर दिया हूँ। इसमें अभी सर के माध्यम से मुझे पता लगा है कि ज्यादा करके हम फोकस मतलब नवोदय पर और सैनिक। मेरे यहाँ अभी वर्तमान में मेरे विद्यालय से एक लड़का निकला है सैनिक में, उसका नाम है प्रियंशु कुमार, पीएस इन क्लास होकर गया है जी। अभी मेरे यहाँ नवोदय की भी कंटिन्यूएशन चल रही है। मेरे हर टीचर का ये मोटिव है कि मेरा स्कूल का हर बच्चा स्टार बने जी, सही बात। हम लोग का यह मेहनत है, निष्ठा है कि मेरे बच्चा आगे बढ़े। जब मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा तो आप लोगों को जैसे भी हमेशा आएंगे तो हमको एंजॉय मिलेगा, साथ में डायरेक्टर का स्टार मैन बनेगा। कोई हिसाब बताइए। स्पेलिंग बोलो। एड का ए डबल डी एड मींस जोर। हां गुड। एड मींस जोर। एड बनाते हो? यस सर। ये क्या लिखा है? 3। ये क्या लिखा है? 2। ये क्या है? 5। ये 2। इसको कैसे ऐड करेंगे जरा बताओ। अब तुम अपने हाथ से लिखो। 2 2 4। हां 5 3 8। सब्जेक्ट जानते हो? यस सर। सब्जेक्ट मींस घटाओ। घटाओ। क्लास सेकंड में हम इन कर रहे हैं। आइए, यहाँ एक मैडम है, इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। क्या पढ़ाई हो रहा है? इसमें हिंदी पढ़ाई हो रहा है। हिंदी में क्या पढ़ाई? कविता। कविता आप लोग जानते हैं बच्ची? कोई कविता बताओ तो। खड़ा हिमालय बता रहा है डर नादी पानी से, खड़े रहो तुम अब चलो का सत्संकट तूफानों में, डिगो ना अपने पड़ से तो तुम सब कुछ पा सकते हो, प्यारे तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अचल रहा तो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जब मैं उसको दी। ओके ओके। आइए अब दूसरे क्लास में पढ़ रहे हैं। 3 क्लास है सर? 3 क्लास है। उर्दू पढ़ा रही है? इधर आइए। क्या पढ़ाई हो रहा है उर्दू में? क्या पढ़ी हो अभी फिलहाल में? इधर आइए। बच्चे की तमन्ना। तेरा सुनाओ तो। लप पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरी वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह उस राह पे चलाना मुझको। एक बच्चा है, क्या नाम हुआ बच्चा तुम्हारा? अरविंद किशन। अरविंद किशन नाम है। ये लड़का हिंदू है। ये लड़का संस्कृत भी पढ़ता है तुम? यस सर। और साथ में उर्दू भी पढ़ता है। इस स्कूल में यह लड़का संस्कृत के साथ साथ उर्दू भी पढ़ता है, और उर्दू इसे हम पढ़वा कर सुनते हैं कि कैसे पढ़ता है। आइए पढ़ो तो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस घर अमी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीस खानदान में बारह रबी अलावल की पैर के दिन गरीब मुल्क। कोई बच्चा अगर हिंदू हो, अगर संस्कृत नहीं पढ़ना चाहता हो तो उर्दू भी पढ़ सकता है। इस बच्चे का क्वालिटी देखिए। किस क्लास में पढ़ते हो बच्चे? 4th क्लास में। 4th क्लास में पढ़ता है मगर 5th क्लास का उर्दू पढ़ देता है। देखिए इस बच्चा का क्वालिटी। आइए 5 क्लास के अंदर हम इन कर रहे हैं। एक टीचर है यहाँ, इनसे हम बातचीत करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एक बात बताइए, मैथमेटिक्स में क्या क्या चीज बच्चे को पढ़ाते हैं? नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं, जिसमें डेफिनेशन वगैरह हो जाता है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर वगैरह सब अभी बताए हैं। यहाँ सारे टीचर लोग इकट्ठे हैं, और जरा स्कूल के जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि यहाँ स्कूल खोलने का मेन उद्देश्य क्या है। आइए उनसे हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी सुनील कुमार जी। अभी जो आप स्कूल चला रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेरे स्कूल जनरली देहात में, रूरल एरिया में बिलोंग करता है जी। और यहाँ मैं एक देखा हूँ कि ज़्यादातर गरीब परिवार ही बिलोंग करता है। अमीर के बच्चे तो बाहर जाकर पढ़ लेते हैं, लेकिन गरीब के बच्चों को पढ़ना मुश्किल है। उनकी ज़रूरत को देखते हुए मैं यहाँ इस स्कूल का इस्टेब्लिश किया, ताकि वो बच्चे कम खर्च में नवोदय सैनिक को वो तैयारी कर सके, अच्छे ढंग से वो प्रिपरेशन कर सके।
अभी तो आपके स्कूल में हॉस्टल का सुविधा है? जी हॉस्टल की सुविधा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा जरूरत पड़ा तो मैं फ्यूचर में इसको करने की कोशिश करूंगा। अभी कोई बच्चा आपके स्कूल से निकला है? जी अभी फरवरी 2024 में सैनिक विद्यालय में प्रियांशु कुमार क्लास फोर्थ का, अभी वो फिफ्थ का वो निकाला हुआ है। अच्छा, यही क्या नाम हुआ बच्चा? माय नेम इज प्रियांशु कुमार सोनी। अच्छा, कब निकाले हुए एग्जाम? फरवरी 2024। अच्छा, इसमें तुम्हारा एडमिशन कब हुआ, इस स्कूल में एडमिशन कब हुआ तुम्हारा? सितंबर 2021 में हुआ। हाँ। 2024 में निकाले हुए। हाँ। यही एक बच्चा है जो स्कूल से यह निकाला है सैनिक का और निकाल चुका है। अब तुम किस गांव में तुम्हारा घर पड़ता है? यहाँ दानियाल परसौना का बच्चा है, लोकल ही बच्चा है, और अभी स्कूल लगभग 2-3 साल हुआ खोले हुए, और उसी में से एक बच्चा निकाल चुका है। और भी टीचर हम लोग हैं सर, आइए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फैयाज। अभी आप लोग जो सैनिक का और नवोदय का जो तैयारी करा रहे हैं जी, क्या आप लोगों का क्या सोच है? हम लोग का यही विचार है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और इस क्षेत्र के बच्चे अधिकतर गरीब हैं, लेकिन इनको हम उस जगह पहुंचाना चाहते हैं जहां अमीर के बच्चे जो है पढ़ते हैं, और उस जगह अच्छे से अच्छे स्कूल, सैनिक विद्यालय जैसे नवोदय विद्यालय में हम इनको जो है यहाँ से जो है पढ़ा कर भेजते हैं, और उसमें हमारा एक बच्चा अभी जो है दिया उदाहरण, वो पास भी हुआ है, और बच्चे की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगले साल वर्ष में हम लोग अधिक से अधिक जो है बच्चे को जो है प्रोग्रेस देंगे ताकि वो भी सक्सेसफुल हो। क्या नाम हुआ सर? मेरा विपिन कुमार द्विवेदी। अच्छा, रूरल एरिया यह है तो रूरल एरिया में सारे बच्चे अमीर के नहीं होते हैं, बहुत से बच्चे मेरे यहाँ गरीब के होते हैं, और जिसके चलते मेरे विद्यालय में गरीबों के बच्चों की ज़्यादा महत्ता है। मैं अभी 30% बच्चों को बहुत लिफ्ट देकर, बुक गिफ्ट देकर हम पढ़ाते हैं, उन लोगों को फीस में भी रिकवरी कम करते हैं, क्योंकि वह बच्चा विकास करेगा, आगे बढ़ेगा तो मेरे एरिया, मेरे क्षेत्र जैसी बाढ़ग्रसित क्षेत्र है, यहाँ पर भौतिक विकास नहीं है, नैतिक विकास नहीं है। मेरा यही सोच है, मैं अपने डायरेक्टर साहब से चाहे डिप्टी प्रिंसिपल या प्रिंसिपल चाहे जो कमेटी मेरी बैठती है, तो मेरा यही सुझाव रहता है कि मेरे बच्चों को कहाँ से नई भौतिक विकास मिले, यानी नई खोज में ही भौतिक विकास निर्भर करता है, और जो नई विकास होती है वही बच्चा उत्थान करता है। क्या गरीब का बच्चा पढ़ सकता है? जी मैं तो अलाउ कर दिया हूँ कि 30% विदाउट फी। फीस कितना उसमें लेस है बच्चे का? मैं 50% में लेस कर देता हूँ। 50% लेस कर? हाँ, आवश्यकता पड़ो मैं फ्री भी कर दूंगा। अच्छा, फ्री भी कर सकते? हाँ, मेरी जी करते हैं जी। फ्री बच्चे भी हैं, जैसे जो जिनके गार्जियन अगर वो डेट आर नॉट एबल टू द पे द फी ऑफ द स्कूल, उनके बच्चे को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में एडमिशन लिया हूँ। हाल फिलहाल में इस सेशन में भी मैं एडमिशन लिया हूँ फ्री में, और पिछले बार भी लिया था, और यहाँ पे मतलब कि जो भी गार्जियन आते हैं और मुझे लगता है कि ये पे नहीं कर सकते हैं फी, उनको फुल मतलब कि ईयर जो है फ्री करते हैं। साथ में अगर एग्जाम मेरा होता है तो उसमें जो स्कूल टॉप करता है, जैसे इस बार जैनब जो है किया है, तो उसको पूरे साल का फी माफ रहता है। जैनब जी, यह स्कूल की एक क्वालिटी मुझे पसंद आया है कि ये सर लोगों का कहना है कि हम स्कूल इसलिए खोले हैं कि यहाँ नवोदय के बच्चे जो तैयारी करने के लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, यहाँ लोकल क्षेत्र के जितने भी गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, इस स्कूल में आकर उस तैयारी हम करा सकते हैं। अब मुझे विशेष करके सर लोगों से मुझे जानकारी मिला है कि अब ये कोई बच्चा ये नहीं कह सकता है कि मेरे पास पैसा की कमी है, पैसे की अभाव के चलते हम सैनिक की तैयारी और नवोदय की तैयारी नहीं कर सकते। मगर अब यह सोच अब आप लोग मत रखिए, इसलिए कि यह देहाती क्षेत्र है और देहात में एक स्कूल खुल चुका है, जिस स्कूल का नाम सर क्या हुआ? पोल स्टार पब्लिक स्कूल है। इसमें आप लोग एडमिशन करा सकते हैं, और जो बच्चा गरीब हो वो भी पढ़ सकता है, और जो अमीर हो वो भी पढ़ सकता है। और इस स्कूल में एक अभी फिलहाल में फरवरी में 2024 फरवरी में एक बच्चा सैनिक का निकाल चुका है, और खुशी की बात है कि आप लोग इस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है सर।